नमस्कार, मैं हूँ आशीष कपूर। हमने 5 अगस्त को लेके काफ़ी सारे राजनेताओं से बात की, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, पॉलिटिकल कमेंटेटर से भी बात की। अब हम आ पहुँचे हैं जम्मू में। एक जो मूवमेंट शुरू हुई थी आज से दो ढाई साल पहले मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी एकजुट जम्मू के नाम से, जो अब एक पॉलिटिकल एंटिटी बनने की कगार पर है। कवायदें चल रही हैं, पार्टी ऑफिसेज जो हैं वो जगह जगह खोले जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। अब मैं उनके ऑफिस में आ पहुंचा हूं उनका व्यू पॉइंट लेने के लिए कि क्या जो 5 अगस्त 2019 को डेवलपमेंट हुई थी, एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुई थी जम्मू को लेके, जहां कहीं ना कहीं एकजुट जम्मू भी काफ़ी देर से उस चीज़ को लेके बात कर रही थी कि 370 को हटना चाहिए, 35A को जाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं एकजुट जम्मू के फाउंडिंग मेम्बर अश्विनी शर्मा जी ऑन माई राइट और किरण कुमार जी ऑन माई लेफ्ट। तो मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पे अश्विनी शर्मा जी से। अश्विनी जी, जिस तरह से क्योंकि लोग मुझे काफ़ी बार सुन चुके हैं, मैं वही बात रिपीट करूंगा दोबारा से कि क्या जो एक साल में और जो एक्सपेक्टेशंस थी एकजुट जम्मू के फाउंडिंग मेंबर्स की और जो आपके साथ लोग जुड़े हुए उनकी और जम्मू की जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो एक साल में मीटअप हुई हैं? क्या जो सरकार है वो 370 हटाने के बाद, 35A हटाने के बाद वो पूरी कर पाई है? देखिए, यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। आपका जो सवाल है कि एक साल में एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी हुई है कि नहीं हुई है, आई थिंक कि 365 दिन में वो चीज़ एक्सपेक्ट करना जो पीछे 32,500 दिनों से जो एक भेदभाव, जो एक असॉल्ट जम्मू पे चला आ रहा था, वो 365 दिन में ठीक हो जाए, आई थिंक दिस वुड बी यू नो थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा ये एक्सपेक्ट करना। बट सिंस जैसा हमने लास्ट ईयर भी जब 5 अगस्त को एब्रोगेट हुआ था आर्टिकल 370 और 35A, और हमने अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ अनाउंस करी थी कि हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत बढ़िया स्टेप लिया है, अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बट आई थिंक अभी थोड़ा समय लगेगा इसके पूरे हमें नतीजे देखने के लिए। सो क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो 370 और 35A हटा है, अभी ये सिर्फ एक लीगल जो एक प्रोविज़न था वो बाहर हुआ है। हम इस बात में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि इसका जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, जो जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में घुसा हुआ है, वो अभी वैसा का वैसा ही बिल्कुल वहाँ पे तय है, क्योंकि इसके कई सिम्टम्स हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 365 दिनों में भी देखे हैं। अब देखिए, जो 370 और 35A से हमें जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें ये थी कि जब ये हटेगा तो सबसे हमें पहली उम्मीद ये थी कि ऐसी कवायदें शुरू होंगी केंद्रीय सरकार की तरफ से भी कि जिससे जो सत्ता का संतुलन है वो कश्मीर से निकल के जम्मू की तरफ आएगा। हमने उस तरफ अभी तक ऐसा कोई भी कदम नहीं देखा है। हम शुरू से ही जो हमारे आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ रहे हैं एकजुट जम्मू के, डेमोग्राफिक इन्वेजन का या डिलिमिटेशन हो 2011 के बजाय 2021 के सेंसस पे, तो उन दिशाओं में भी हमें कोई भी ऐसा कंक्रीट स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिखा है। सो मुझे ये लगता है कि भी थोड़ा प्रीमेच्योर है ये कहना कि 365 दिनों में जो हमने एक्सपेक्ट किया है जो या जो हम करते थे वो अभी हमें दिख रहा है। किरण जी, मैं आपके पास आऊँगा इसके बाद। हम एकजुट जम्मू हमेशा से बात करती रही है कश्मीर की हेजमनी को लेके, कश्मीरी हेजमनी को लेके, कि एक दबदबा जो है वो कश्मीरी नेताओं का हमेशा पूरे खित्ते पर आए हैं, पूरे स्टेट पर आए, पर हमारे जो जम्मू के लीडर हैं वो उभर के बाहर नहीं आ पाए। इस वजह से इनजस्टिस हुई है हमारे साथ हमेशा। पिछले एक साल में या 370 हटने के बाद जिस तरह से नज़रबंद किया गया नेताओं को, नई लीडरशिप भी क्रॉप अप हुई श्रीनगर में, कश्मीर में, क्या एक साल के बाद आपको लगता है कि उस इशू को भी एड्रेस कर पाई है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, या उस इशू से हमारे कुछ यहाँ पे नेता जो हैं उसको एनकैश कर पाए उस सिचुएशन को? देखिए, इसे कहना थोड़ी जल्दबाजी होगा। जैसे अभी अश्विनी जी ने कहा कि अभी थोड़ा समय की ज़रूरत है, और हमें जम्मू के साथ जो इतने लंबे समय से जो भेदभाव होता आ रहा था, मैं तो कहूँगा कि वो तो भेदभाव ही नहीं था, वो तो एक किस्म का हम पर जो है एक बहुत बड़ा इस्लामिक अटैक था, और हमें हमेशा उन्होंने सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट किया। और जैसे मैंने आपको शायद लास्ट इंटरव्यू में भी एक बात हमने कही थी कि जो हमारे जो कश्मीर के नेता हैं, इन्होंने जम्मू को उसका ड्यू शेयर नहीं दिया, जिसके कारण जम्मू हमेशा पीछे रहा, और उन्होंने बड़े गलत तरीके से कानून का नजायज़ फ़ायदा उठाकर लेजिस्लेटिव जिहाद के ज़रिए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव जिहाद के ज़रिए, जैसे बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो जम्मू के विरोध में थे।
और जम्मू के लोगों ने इसको भांप लिया था, और इसीलिए अगर आप देखें पिछले 5-6 साल से कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हमारे जम्मू में हुई जिससे कि एक प्रेशर सरकार पर बन रहा था। आपने देखा कि जो भी यहाँ पर अभी सरकार पहले गिरी, रसाना केस में आपने देख लिया कि हमारे जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, और उसमें पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया वो मुफ्ती गवर्नमेंट का किया। महबूबा मुफ्ती ने जो है खुद उस पर जो है कि जिसे आप कह सकते हैं कि हमारे जम्मू के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की, मंदिरों का नाम यूज़ किया, और उसके साथ आप देख सकते हैं कि जो फैसले हुए पठानकोट में जिस जज ने वो वर्डिक्ट दिया था तो वो तो खुद ही घेरे में आ गया, वो खुद सस्पेंड हो गया। हाई कोर्ट में जब चंडीगढ़ में केस की सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त जो है जो वहाँ के जजेस थे उन्होंने जब इसको हियरिंग किया तो उन्होंने SIT पर जो है वो FIR लगाने की बात करी। तो आप देखिए कि हर तरीके से जम्मू जो है वो साजिशों में फंसा रहा, और जम्मू के लोगों की एक थोड़ी कमी रही है वो ये कि जम्मू के लोग कभी एकजुट नहीं हुए। और ये जो प्लेटफॉर्म अगर आप देखें, ये जो एकजुट जम्मू है ये बना ही इसी तरह पे कि जब तक हम अपनी आवाज़ एक नहीं करेंगे, जब तक हम जम्मू के खित्ते के लोग एक साथ नहीं आ जाते, ये कश्मीर हमें जो है वो हमेशा ऐसे ही जो है धिक्कारता रहेगा। और अब वो समय मुझे लगता है जो 35 से का एब्रोगेट होने के बाद और 370 की जो सेक्शंस को रिमूव करने के बाद कुछ ऐसा माहौल बना है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू के लोगों के लिए जो है वो अच्छी तरीके से उसको एम्पावर करने में नाकामयाब साबित हो रही है। चाहे आप डिलिमिटेशन का मुद्दा देख लीजिए, आप देख लीजिए कि उन्होंने पीछे एक अफवाह फैलाई कि एक SAC का गठन किया जाएगा जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को जो है उसमें रिप्रेजेंटेटिव बनाया, कुछ जम्मू के कुछ लोगों को जो है दो लोगों को मतलब उसमें इंक्लूड किया गया, और अल्टीमेटली आप देखिए कि जो उसका हेड है वो तो फिर भी कश्मीर से ही कर रहा है। तो मीन्स जो डैमेज किया गया उनको 35 से और 370 के जरिए उसको रिकवर किया जा रहा है। वो तो जैसे आपने कहा कि र्यूमर था एक वाकई में कल को, क्योंकि बीजेपी में भी उसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ नेताओं ने बोल दिया था ये बात कि ये र्यूमर है, ऐसा कुछ जो है क्रिएट नहीं हो रही है यहाँ पर, राइट। देखिए आशीष जी, आप देखिए जब छलांग लगानी हो तो इंसान पहले गहराई पानी की देख लेता है, तो ये भी उनका एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट था कि देखते हैं कि हमारे जम्मू के लोगों का क्या ओपिनियन बनता है। तो जम्मू से एकजुट जम्मू ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, लोगों को इसके बारे में अवेयर किया, और इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो ये इस चीज़ को जो है लागू करें। और हम जम्मू के किसी भी कोई भी विरोध में जो फैसला होगा हम उसे लागू नहीं होने देंगे। हमने आपने देखा कि हमने VDCs की जो है आवाज़ उठाई, जब बीजेपी RSS के लीडर किश्तवाड़ में मारे जा रहे थे इन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि आप VDCs जो हैं वो सारे हथियार सबमिट करें जो भी उनके पास थाना पड़ता है, डिफेंस कमेटी। तो आप मुझे बताइए ऐसे मौके पर जब हमारे लीडर सेफ नहीं है, आप आम आदमी को कह रहे हैं कि आप अपने हथियार जमा करवाइए, जबकि इनको बात करनी चाहिए थी कि आप अपने जो हथियार हैं वो हम आपको सोफिस्टिकेटेड हथियार देंगे, हम आपका नंबर बढ़ाएंगे, हम आपका ऑनरेरियम बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वोट हमसे लिया, काम उनके लिए हुए। डिलिमिटेशन पे सब जानते हैं कि अगर 2011 का जो सेंसस था वो फ्रॉड था, फर्ज था, और उससे जम्मू के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें जो भाजपा के नेता उसमें ये आर्टिकल भी लिखते हैं डेली एक्सेलसर में, वो मानते हैं लेकिन कहते हैं होगा तो 2011 पर ही। तो हम जम्मू के लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं है, जम्मू के लोग एक साल वेट कर सकते हैं, अगले साल सेंसस की रिपोर्ट आ जानी है, तो वाई नॉट कि डिलिमिटेशन कमीशन को उस वक्त बिठाया जाए और उस वक्त जो है इसको किया जाए। तो फैसले जो हैं अभी भी जम्मू के हक में नहीं आ रहे, और बड़ी जल्दबाजी होगी कि हम ये कहना कि 35 से और 370 हट जाने के बाद जम्मू को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मुझे तो लगता है कि अभी हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किरण जी का कहना था वेट करना पड़ेगा। अश्विनी जी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे यहाँ पे थोड़ा सा, साल काफ़ी नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, अभी काफ़ी समय जो है वो देना पड़ेगा कहीं ना कहीं सरकार को उस इनजस्टिस को एक बराबरी पर लाने के लिए। लेकिन अगले आने वाले सालों में एकजुट जम्मू क्या एक्सपेक्ट करता है सरकार से, क्या स्टेप्स ऐसे उठाने चाहिए जिससे वो जो एक इनजस्टिस जम्मू के साथ हो रही थी वो आहिस्ता जो है ट्रैक पे आए और जस्टिस जो डिलीवर होनी चाहिए जम्मू को समय रहते। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि एक साल कोई ज़्यादा नहीं होता, बट इसके साथ में एक चीज़ कह दूँ कि एक साल में जो हमें डायरेक्शन दिखी हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो भी इनकरेजिंग नहीं है। जो सिम्टम्स हमको दिख रहे हैं वो जैसा मैंने पहले कहा फिर रिपीट करूँगा,
कि एक हमें लगता है कि एक लीगल प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में थे वो हटाए गए हैं, लेकिन उसका जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, जो सोच है, जो मंशा है दिल्ली के बीच में, या जैसा हम कहते हैं कि दिल्ली और कश्मीर के बीच में एक करार है, ठीक है, वो जो लिखा, इट इज़ एन अनरिटन यू नो एसोसिएशन और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दिल्ली एंड कश्मीर, कि भैया जम्मू को हम हमेशा बफर बना के रखेंगे, राज हमेशा कश्मीर के थ्रू ही होगा। और आप इसके सिम्टम्स देखिए, हमारे आइडियोलॉजिकल इश्यूज जो जिनके पे हम हमेशा बात करते हैं, डेमोग्राफी का सवाल जो जम्मू में वो भी निरंतर चल रहा है, जम्मू के फॉरेस्ट हो, जम्मू के रिवर बेड्स हो, वो अभी भी ऑक्यूपाई किए जा रहे हैं। लेटेस्ट केस हमारे पास अखनूर में मायरा मंदरा का है, वहाँ भी कोई कॉलोनी बसाने की कोशिश करी जा रही है एक विशेष समुदाय की। उसके बाद हम दोबारा जब इसकी बात करते हैं डिलिमिटेशन की, डिलिमिटेशन पे जो सरकार स्टैंड ले रही है, मुझे ये बताइए ऐसी कौन सी सरकार है जो अपनी जड़ें खुद काटेगी? अगर 2021 के सेंसस पे अगर अभी की जो करंट डिस्पेंसेशन है अगर अपना वो डिलिमिटेशन करवाएगी तो ज़्यादा सीटें जम्मू को मिलेंगी और उसका परिणाम स्वरूप उनको वोट जम्मू से मिलेंगे और उनका चीफ मिनिस्टर निश्चित है, लेकिन दे आर हेलबेंट कि वो 2011 में डिलिमिटेशन हो। आप बताइए इसके पीछे क्या मंशा है? क्या इसके पीछे मंशा ये नहीं है कि कश्मीरियों को खुश करना है, कश्मीरी हेजेमोनिक सरकार को, लोगों को खुश करना है? उसके बाद एक जो सबसे बड़ा जो हमें एक इंडिकेशन आना चाहिए था 370 हटने के बाद, जो पावर सेंटर है वो कश्मीर से जम्मू में शिफ्ट होना चाहिए था। उसके लिए जो जम्मू में जो ग्रुप्स हैं, जो प्रो नेशनलिस्ट, जो नेशनलिस्ट ग्रुप हैं, प्रो इंडिया ग्रुप्स हैं, उनको मजबूत करना चाहिए था। पर आपने देखा क्या इस दौरान? आपने देखा कि कश्मीर से एक नई पार्टी उभर के आती है, अपनी पार्टी, और उनके मुखिया वो हैं कि जो एलिजेडली जिनकी गाड़ी इस्तेमाल हुई थी, जहाँ से RDX मिला था। तो ये दिस न्यूज़ इज़ ऑल ओवर द मीडिया। तो ऐसे किसी शख्स को आप प्राइम मिनिस्टर उनको समय देते हैं, फिर उनसे 1-to-1 टॉक करते हैं, उसके बाद होम मिनिस्टर उनको जब समय देते हैं 2-2.5 घंटे देते हैं, तो आप मुझे बताइए इंडिकेशंस जो जम्मू में आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? वो इंडिकेशन यही आ रहे हैं कि भाई जम्मू विल बी यूज एज अ बफर, ठीक है, और हमें जो राज कराना है, हमें जो चश्मा जो हमने पहले 70 साल से पहना रहा था, हमें अभी भी वही कश्मीर का चश्मा पहनना है और उसी चश्मे से हमें जम्मू को देखना है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि लद्दाख वालों की जान छूटी, उनको तो उन्होंने तो बिल्कुल मतलब जीते जी स्वर्ग देख लिया कि वो इस डिस्पेंसेशन से, इस स्टेट से अलग हो गए। अब वो अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, अपने लिए करेंगे, वो जिम्मेवार हैं। बट हमें जो भी घसीटा जा रहा है कश्मीर के साथ, हमारी एकजुट की लड़ाई ही बेसिकली वही है, सारा हमारा संघर्ष ही वही है कि हम चाहते हैं जो सत्ता का जो केंद्र है वो जम्मू में शिफ्ट हो। तो इसीलिए हम अभी अपने इस पूरे प्रयास में निकले हुए हैं। और ये आपका कहना कि आगे आने वाले 2-4 साल में पावर का क्या होगा, तो हम जिस तरह से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जैसे 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज खुल गए हैं, अब हम पंचायत लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, हम एक चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि आने वाले समय में जब कभी भी इलेक्शन होगा, आई थिंक एवरीबडी विल सी अ सरप्राइज। जो सुखबुगाहट है, आप भी एक पत्रकार हैं, जो सुखबुगाहट एक जम्मू के पूरे क्षेत्र में है, लखनपुर से लेकर लोहरा मंडी में और सुचेतगढ़ से लेकर सिंथन टॉप तक जो एक सुखबुगाहट है, वो सबको पता है, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। आप मुझे बताइए, पहले भी कश्मीर में प्रॉब्लम थी, पहले भी जब कभी वहाँ पे इस तरह आतंकवादी की घटनाएं होती थी, 4G यहाँ जम्मू में कभी बंद नहीं हुआ। बुरहान वानी के एनकाउंटर के 73 दिन बाद कश्मीर बंद रहा, जम्मू में उसका 4G का कोई असर नहीं पड़ा। अब क्या ये समझ है सरकार की, जो भी हैं जो फैसला लेते हैं, चाहे जम्मू में चाहे दिल्ली में, कि भाई हमको एक इक्वेशन है कोई बैलेंस करनी है, कि हम उनको नाराज़ नहीं कर सकते, हम उनको कश्मीरियों को ये बताना चाहते हैं, कश्मीर को ये बताना चाहते हैं कि देखो अगर आपको 4G नहीं मिल रहा तो इनको भी नहीं मिल रहा, ये आपके साथ बंधे हुए हैं। मेरा ये कहना है कि अगर हमें 4G नहीं मिल रहा तो पठानकोट को भी नहीं मिलना चाहिए, वो तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। अगर जम्मू में खतरा है तो खतरा पठानकोट में भी हो सकता है। तो अगर 300 किलोमीटर के डिफरेंस में अगर इतना बड़ा खतरा है, तो आगे 100 किलोमीटर में उसको और बढ़ा देना चाहिए। इसलिए हमें इनका ये लॉजिक समझ नहीं आता। और आजकल तो हमें ये भी बीच में से सुनने की खबरें आ रही हैं कि नहीं, शायद LG साहब ने भी कहा कि नहीं, यहाँ थोड़े हालात बन रहे हैं। मुझे कहना है, मुझे पर्सनल ये लगता है कि इनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कन्फ्यूजन है। और 370 खसूसा 370 हटने के बाद
हम हमेशा समझते हैं कि दिल्ली में एक कोटरी है पॉलिटिशियंस की और ब्यूरोक्रेट्स की, वो जब 370 हटाना था उस वक्त हावी नहीं हो पाई, पर उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, अब हमें कहीं पुचकारना है। बट ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू गो ऑन एन ऑफेंसिव यू डू नॉट टेक अ स्टेप बैक अंटिल अनलेस यू हैव अचीव्ड योर यू नो एम व्हाट यू वर आउट देयर टू प्रूव। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये समझ में नहीं आएगा आप एक्चुअली क्या आप अचीव क्या करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं अश्विनी जी आपको ये लग रहा है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है भाजपा की वो भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर को लेके। एक स्टेप उठा लिया काफ़ी बड़ा 370 का, लेकिन जो डिलीवरेबल्स हैं उसके बाद एक साल बाद भी, वो भी कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कन्फ्यूजन जो है प्रिवेल कर रही है उस पूरे के पूरे लीडरशिप में। जैसा मैंने कहा मुझे यही लगता है कि जो एक कोटरी है जो इस चीज़ को बड़ी एडवोकेट करती है कि नहीं हमें कश्मीर के साथ बहुत पुचकार के चलना, मुझे कोई उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अब कश्मीर के लोगों को साथ लेके चलिए, वो भी इंसान है जैसे हम हैं। बट जब गवर्नमेंट लेवल पे कोई इनिशिएटिव होते हैं तो जो पुचकारा जाता है वो पुचकार कभी पब्लिक तक नहीं जाती, वो हमेशा जो सामने जो लोगों के नेता होते हैं उनके तक ही जाती है। अब आज हाफ सेपरेटिस्ट को और सूडो सेकुलर्स को पीएमओ में इनवाइट करके आप दो दो घंटे का समय देंगे, आप मुझे बताइए ग्राउंड पे मैसेज क्या जाएगा।